मुजफ्फरनगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन अंबावत के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रभारी अनीस गाजी ने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के साथ बर्बरता का आरोप लगाया। किसानों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिल्ली कूच के लिए तैयार रहने के लिए भी कहा। दिल्ली बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का भारतीय किसान यूनियन अंबावता द्वारा समर्थन करते हुए कार्यकर्ताओं को दिल्ली कूच करने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा गया है। अंबावता के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रभारी अनीस गाजी ने कहा कि हम सिर्फ आदेश का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही आदेश होगा हम भी दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि हम हर उस किसान के साथ हैं जो पीड़ित है। किसानों की समस्याओं को उठाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार जब तक MSP नहीं देगी तब तक किसानों को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाएगा, और जब तक सरकार किसानों की इन सभी जायज मांगों को नहीं मानेगी तब तक किसान संघर्ष करता रहेगा। अनीस गाजी मेरठ रोड स्थित एक प्रतिष्ठान पर अपने संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिनमें उनके प्रदेश उपाध्यक्ष साजिद खान, जिला प्रभारी जिशान सिद्दीकी, युवा जिलाध्यक्ष इसरार हाशिम और सरताज प्रधान आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्ट्रीट बस के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। 13-14 महीने धरने देने के बाद वो अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं कि संगठन के कई फाड़ हो चुकी है। हाँ, वो आपकी बात से मैं समझ रहा हूँ, लेकिन संगठन के अभी डल्लेवाल जी हमारे जो SKM में हमारे साथी हैं, उनका आपने बयान पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि सभी लोग आए, हम स्वागत है, हम पहले भी SKM का हिस्सा है, आज भी हम SKM का हिस्सा है, क्योंकि संयुक्त मोर्चे ने अभी आह्वान नहीं किया है। जिस दिन संयुक्त मोर्चा आह्वान करेगा उसी दिन दिल्ली घेर देंगे। अभी तो हमारा संघर्ष पंजाब और हरियाणा पे चल रहा है। 14 मार्च के लिए कुछ गाइडलाइन उसके हाँ तैयारी में लगे हैं हम लोग। जैसे ही अभी ऐसा है सर, अभी हमारे जो किसान लीडर हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबावता जी हैं, डल्लेवाल जी हैं जी। और भी हमारे जो किसान लीडर हैं उनकी भी सरकार से कुछ चरणों में वार्ता हुई है, चल रही है। एक हमारे किसान भाई शहीद हो गए गोली लगने से, और एक की उठा के पिटाई की है और उसके बाद उसे बंद भी कर दिया है, वो भी एक प्रकरण है। तो उसी के मद्देनजर बात चल रही है। हमारी मांग यह है कि पहले उनमें FIR हो, और दूसरी बात जब दिल्ली कूच का ऐलान होगा तो आपको भी पता लगेगा, सबको भी पता लगेगा। हम तो साथ रहेंगे, आप हमारे साथ पहले भी रहे और अब भी रहेंगे। मुजफ्फरनगर में इसी तैयारी को लेकर के अब साथ एक, क्योंकि अभी राष्ट्रीय लेवल पर अभी आह्वान नहीं हुआ है कि भी दिल्ली घेरने के लिए कार्यकर्ताओं में, जैसा आपके रहे एक ऐसी स्थिति है भाई, क्या डिसीजन है अभी? अभी हमने ये तैयारी के लिए मिलना जुलना सब जिलों में चल रहा है, पूरे पश्चिम में तैयार ट्रैक्टर अपने ले लेके तैयार रहो, किसी जिस दिन भी कुछ होगा उस दिन आप सब वहीं आपके जो पूरा पेरिफेरल से दिल्ली घेरेंगे। जिले की कार्यकारिणी में कौन कौन वो कार्यकर्ता हैं जो इस समय रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं? हमारे सारे लोग रीढ़ की हड्डी है, हमारे एक एक कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है।